हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेंद्र राजावत श्री जमा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इसका एक ओवरव्यू मैंने बोर्ड पर लिखा है। पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बनाएंगे। हम कौन कौन से पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपदों का ग्राफ बना के देखेंगे कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, अर्थात रेखिक, द्विघातीय तथा त्रिघातीय बहुपद जो होते हैं, इनके ग्राफ्स किस टाइप के बनते हैं। ग्राफ्स के ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, ग्राफ के हेल्प से पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद के जीरोज शून्यकों का क्या मीनिंग निकल के आता है, ग्राफ से हम कैसे चेक करके बता सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, उसके कौन कौन से जीरोज हो सकते हैं, वो हम ग्राफ के हेल्प से कैसे पता कर सकते हैं, वो फिर हम देखेंगे। इसके बाद में हम 4-5 अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो कि एनटीएससी लेवल के होंगे और बोर्ड के अंदर भी एमसीक्यूज के अंदर क्या किया जा सकता है, वहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसी के साथ हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 भी इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ कंटेंट क्या है, ज़्यादा है आज के लेक्चर के लिए, तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा। तो आप, मैं पहले आपको बता देता हूँ, साथ में ग्राफ बनाने के लिए आप ग्राफ पेपर यूज कीजिएगा, जिससे कि आपको क्या होगा, पॉइंट्स बनाते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम क्या करेंगे, ग्राफ्स के ऊपर पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए क्या होगा, अगर आपके पास ग्राफ होगा तो आसानी से आप क्या होगा, आप ग्राफ को बना पाओगे। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले ग्राफ पेपर साथ में लेके बैठिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है। तो देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में अर्थात रेखिक बहुपद के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, पहले वो लिख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री अर्थात उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर अधिकतम घात क्या होगी, 1 होगी, तो वो वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ये मैंने लेक्चर 2 के अंदर पूरा कवर किया है। और लीनियर पॉलिनोमियल कुछ दिखता कैसे है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ कैसी होती है, ए एक्स प्लस बी टाइप की होगी। तो यहाँ देखो, x की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो x की पावर 0 मान सकते हो। तो ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ मैंने एक कंडीशन और लिखी है, देखो a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कि अगर a 0 हो गया तो 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमारे पास केवल b बच गया, और b क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। तो ये फिर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह के क्या बन जाएगा, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। और a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या होनी चाहिए। कोई भी नंबर तुमने आज तक जितने भी नंबर्स पढ़े वो सारे नंबर्स क्या थे, वास्तविक संख्याएं थी। तो इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसका ग्राफ क्या होता है, लाइन बनता था, रेखा बनता है। अब मैंने बोल दिया तो इसको बना के बताना भी पड़ेगा कि सच में ही लाइन बनता है या कुछ और बनता है। तो देखो, इसके लिए हम एग्जांपल को सोल्व करते हैं। जैसे पी एक्स बराबर 2x-1, ये कुछ इसी टाइप का दिख रहा है। यहाँ से देखो हमें क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही है वो पहले लिख देते हैं। यहाँ से a 2 आ रहा है और b बराबर -1 है। हमने क्या किया, इसके साथ कंपेयर किया, तो देखो यहाँ x के साथ जो है वो a है और b की जगह पे कितना है, -1 है। तो ये हमारे को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में यूज कर लेंगे। तो देखो, मैंने थोड़े टाइम के लिए इस पी एक्स को क्या बोल दिया, वाई, क्योंकि मैं पी एक्स को वाई एक्सेस पे प्लॉट करूंगा, इसलिए मैं इसको वाई बोल के चल रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक्स की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे, इसके हिसाब से हमें वाई की कुछ वैल्यूज मिलेगी, अर्थात हमें दो दो पॉइंट्स मिलते जाएंगे बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स वाले, उन सबको ग्राफ पे प्लॉट करके फिर सबको ज्वाइन करके देखते हैं क्या बनता है। देखो, जैसे कि यहाँ है y बराबर पी एक्स बराबर 2x-1, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो कितना होगा, 2 × 0 0 हो गया, 0 − 1 कितना होगा, -1 हो गया। x की जगह 1 पुट करें तो 2 × 1 कितना होगा, 2 होगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। x की जगह पे हम 2 पुट करके देखें तो क्या आएगा, 2 × 2 = 4 होगा, और 4 में से 1 गया तो 3 होगा। तो हमें 3 पॉइंट्स मिल गए, एक तो 0, −1, एक 1, 1 और एक 2, 3। इन तीनों पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेते हैं और सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ज्वाइन करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। तो जैसे पहला पॉइंट है, x 0 है, y कितना है, −1 है। तो ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। इधर की तरफ हम जब जाते हैं तो x की वैल्यू प्लस में बढ़ती जाती है, इधर की तरफ x की वैल्यू माइनस में बढ़ती जाती है, ठीक है। ऊपर की तरफ जाते हैं तो y की वैल्यू प्लस में बढ़ती जाती है, और नीचे की तरफ आते हैं तो y की वैल्यू
माइनस में बढ़ती जाती है, ठीक है, माइनस में ज़्यादा होती जाएगी, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, इस तरीके से। लेकिन देखो ऊपर की तरफ जाओगे y बढ़ेगा, नीचे की तरफ कम होगा। तो इस लाइन पे यानी कि x एक्सिस पे y हमेशा कितना रहता है, जीरो। इसी तरीके से x की वैल्यू इधर की तरफ प्लस में होगी, इधर की तरफ माइनस में होगी, लेकिन y एक्सिस पे x हमेशा क्या रहता है, जीरो। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, समीकरण क्या होती है, तो वो होती है y बराबर जीरो, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x बराबर जीरो। ये भी ध्यान रखना, यहाँ से भी एक नंबर में पूछ सकता है। ये नाइन्थ क्लास के अंदर था, अभी हम टेंथ पढ़ रहे हैं तो इतना अच्छा मतलब इतना आसान क्वेश्चन वहाँ पूछेगा नहीं। अब हम प्लॉट करते हैं, देखो तो x जीरो कहाँ होता है, y एक्सिस पे, और y माइनस वन भी क्या होगा, इस जगह पे होगा। देखो तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, जीरो कोमा माइनस वन है। अब दूसरा है वन कोमा वन, तो x भी वन है y भी वन है, तो देखो x का वन ये रहा और y का वन ये रहा, तो जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ये रहा वन कोमा वन। इसी तरीके से x टू है, y कितना है तीन, तो x का टू ये रहा और y का तीन कहीं इस जगह बनेगा, तो ये कितना है टू कोमा थ्री। अब इन तीनों को ज्वाइन करते हुए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो देखो अगर तीनों ऐसे और भी हजारों पॉइंट्स होंगे, उन सबके ऊपर x की वैल्यूज निकालोगे तो y की वैल्यूज कुछ ना कुछ मिलेगी, उसके हिसाब से अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ हमेशा क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। और एक चीज और ध्यान रखना, जिस चीज का भी ग्राफ बनाया है उसकी इक्वेशन यहां भी नोट कर देना, क्योंकि हम क्या करेंगे जब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर क्या करेंगे, दो दो ग्राफ्स को, दो दो लाइन्स के ग्राफ को एक ही ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम कौन से वाली लाइन का ग्राफ कौन सा वाला था। तो जिस भी लाइन का ग्राफ हमने बनाया उसकी इक्वेशन को यहाँ लिख दिया, तो हमें पी एक्स का ग्राफ मिल गया, ठीक है। अब ये ग्राफ क्या है, एक लाइन है। तो हमने सबसे पहले वाला जो हमारा पार्ट वो था, हमने पॉइंट्स देखे थे कौन कौन से पढ़ने हैं इस चैप्टर में, तो पहला पॉइंट यही था ग्राफ बना के बताना है या ग्राफ बनाना है कि कैसा ग्राफ बनेगा। तो हमें पता चल गया कि जो लीनियर पॉलीनोमियल होता था, रैखिक बहुपद होता है, इसका ग्राफ क्या बनता है, एक लाइन बनता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, हमें ग्राफ के हेल्प से यह समझना था कि इसका जीरो का क्या मतलब है, इसके शून्य का क्या मतलब है। तो देखो जीरो का मतलब यह होता है कि एक्स की कोई वो वैल्यू जिसके लिए हमारे को पॉलीनोमियल की वैल्यू कितनी मिल जाए, जीरो मिल जाए, यानी कि वाई या फिर पी एक्स की वैल्यू हमारे को कितनी मिल जाए, जीरो मिल जाए। तो ध्यान से समझना, देखो ये एक्स एक्सिस है, यहां पर एक्स एक्सिस के ऊपर वाई या फिर पी एक्स इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट को, यहां एक्स की तो कुछ वैल्यू है क्योंकि वाई एक्सिस पे होता तो एक्स की कुछ भी वैल्यू नहीं होती, जीरो होता, और इधर की तरफ या इधर की तरफ जाओगे तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है। मान लो कि एक्स की कुछ वैल्यू है, कितनी है, अल्फा। लेकिन ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे होने की वजह से वाई की वैल्यू कितनी है, यहां पर जीरो है। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे क्या है, हमारे को पी एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, जीरो। ध्यान से समझना देखो कि इस जगह पे एक्स की कुछ वैल्यू है, अल्फा है, अभी हम चेक कर लेंगे कि कितनी है, और इस जगह पे वाई अर्थात पी एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, जीरो, क्योंकि ये वाला पॉइंट कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई हमेशा जीरो होता है, तो पी एक्स भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हमने वाई को ही पी एक्स मान रखा है। देखो तो पी एक्स हमें जीरो जहां मिल जाता है, तो यानी कि एक्स की जिस वैल्यू के लिए हमें पी एक्स की वैल्यू यानी कि बहुपद की वैल्यू क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, तो एक्स का वही मान क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं एक्स बराबर अल्फा क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का एक शून्य के अर्थात जीरो होगा। तो ये तो क्या है, ग्राफ के आंसर हमने पता कर लिया कि जीरो क्या होगा। अब हम कैसे पता करें कि ये वाली एक्स की वैल्यू क्या है, तो देखो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे प्रॉपर तरीके से ग्राफ पेपर पे, तो एग्जैक्ट जिस पॉइंट से ये जा रहा होगा ना, जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा, वहां की एक्स की जो वैल्यू होगी वही हमारी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। अब डायरेक्ट तो हम देखो लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने जीरो लीनियर पॉलीनोमियल के जीरोज फाइंड करना सिखा दिया था। वहां जीरोज कैसे फाइंड करते थे, जो पॉलीनोमियल होता था उसको जीरो के बराबर स्टार्टिंग में ही रख दो,
वहाँ से जो x की वैल्यू आती थी वही हमारा जीरो होता था, जो कि मैंने यहाँ नोट किया है। देखो जैसे ये वाला पॉलिनोमियल क्या था, px बराबर 2x-1 है। यहाँ क्या है देखो, हमने इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट कर दिया क्योंकि हमें शून्य निकालना है, जीरो निकालना है। तो 2x-1 बराबर जीरो है, तो 2x बराबर माइनस का 1 उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। यानी x बराबर 1/2 ये है जिस जगह पे हमारे को इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये ग्राफ क्या 0 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रहा है। इसका मतलब 0 और 1 के बीचों बीच कौन सा वाला पॉइंट होगा, x बराबर 1/2 होगा कि नहीं होगा। तो देखो हमने जो इस मेथड से जो जीरो निकाला है, क्या ग्राफ की हेल्प से हमने जो जीरो निकाला है क्या वो दोनों सेम आ रहे हैं। तो हमने क्या किया देखो, जीरो निकालने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट हम पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो निकल गया। एक ग्राफ की हेल्प से भी हम पता कर सकते हैं। अब कैसे पता करेंगे कि ग्राफ की हेल्प से, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा ग्राफ जिस भी जगह पे कट करेगा उस जगह पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। क्यों? क्योंकि वाई बराबर पी एक्स हमने माना है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो जहां हमें जीरो मिल जाए, यानी कि x की जिस वैल्यू के लिए हमें जीरो मिल जाए, वही तो क्या होता है, जीरो अर्थात शून्य होता है। तो देखो x बराबर अल्फा के लिए हमें क्या मिल गया, जीरो मिल गया। यह वाला इस वाले पॉइंट पे x बराबर अल्फा माना हमने, तो देखो यहाँ की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1/2। तो x बराबर 1/2 ही क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल का एक शून्य होगा। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई। अब देखो ये जो लाइन है, वो लाइन इस वाले ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे कट कर सकती है। देखो यहाँ से ड्रॉ करोगे एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है, इधर से कहीं से ड्रॉ करोगे तो भी क्या होगा, एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है। यहाँ से ऐसे लेके जाओ कहीं से भी तो भी एक ही पॉइंट पे कट कर सकती है। यानी कि मैक्सिमम कितनी जगह पे कट करके जा सकती है ये वाली लाइन, एक ही जगह पे। और जिस भी जगह पे कट करेगी वहाँ पे px की वैल्यू हमें जीरो मिलेगी, क्योंकि वो पॉइंट कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा। और जहाँ हमें px की वैल्यू जीरो मिलती है उस जगह x की जो वैल्यू होगी, अल्फा बराबर कुछ भी हो सकता है, वही वैल्यू क्या होगी, हमारा बहुपद का शून्यक होगा। तो यहाँ मैंने देखो लिख भी दिया है कि किसी भी लाइन का नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, केवल 1, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकते हैं। मैंने एक नोट डाल के एक दूसरा टॉपिक भी लिखा है, वो भी अभी समझा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्यों हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि केवल एक ही जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा वो कट करके जा सकती है। इसके नंबर ऑफ जीरो जीरो भी हो सकते हैं, कोई भी जीरो नहीं हो। जैसे देखो मैंने ग्राफ बनाया है, ये एक्स वाई एक्स और वाई एक्सेस है, ये 0 0 है, ये 1 2 1 2 3 है। तो जैसे वाई बराबर 3 दे दिया या px बराबर 3 दे दिया, तो 3 क्या है, कांस्टेंट है। या ऐसे समझ सकते हो कि 0x प्लस 3 है कुछ, तो कांस्टेंट क्या है, y की वैल्यू हमेशा कितनी रह रही है, 3, कभी भी 0 नहीं हो रही। तो जब y की वैल्यू 0 हो ही नहीं रही, तो हमारे पास x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसके ऊपर हमारे को 0 मिले, यानी कि px की वैल्यू क्या मिले, 0। देखो यहाँ देखो ऊपर की तरफ जाओगे y बढ़ता है, नीचे की तरफ कम होता है, लेकिन यहाँ हर जगह पे y क्या होगा, 3 ही रहेगा, y बराबर 3 है। तो x की वैल्यू बढ़ रही है, देखो इधर की तरफ जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है x की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन ग्राफ ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि y की वैल्यू हमेशा कितनी है, 3। अब कभी जब x एक्स को कट ही नहीं करेगा, तो क्या कभी भी कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस जगह पे हमारे को y की वैल्यू 0 मिल जाए। तो कोई पॉइंट अगर मिलेगा ही नहीं, तो हम बोल देंगे कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, कोई भी जीरो नहीं होगा, था नंबर ऑफ जीरो मतलब शून्य की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। तो देखो इसको मैं वापस से समराइज कर देता हूँ। हमने सबसे पहले ये देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, लाइन होता है, इसकी डिग्री 1 होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप कुछ इस तरीके का दिखता है। जब इसका एक क्वेश्चन लेके हमने अलग अलग एक्स की वैल्यूज के लिए वाई की वैल्यूज निकाली और ग्राफ पे प्लॉट करके देखा, तो एग्जैक्ट हमारे को लाइन ही ग्राफ हमारा मिला। फिर हमने जीरो का मतलब समझा, जीरो का मतलब क्या था, ध्यान से सुनना वापस से, मैं इसका कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, फिर मैं लिख भी दूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे कि इसका क्या मतलब हुआ। देखो हमारी लाइन x अक्ष पे कहीं ना कहीं कट करेगी, जिस जगह कट करेगी वहाँ x अक्ष पे था वो पॉइंट, इस वजह से y यानी कि px की वैल्यू हमारे को जीरो मिले। अब जीरो का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है कि x की किसी वैल्यू के लिए अगर हमारे को px की वैल्यू क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, तो x की वो वाली वैल्यू हमारे को क्या हम उसको क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, यानी कि बहुपद का जीरो बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल का जीरो बोलते हैं। तो देखो इस वाले पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट कौन से एक्सेस पे है, एक्स एक्सेस पे है। इसका मतलब यहाँ px या फिर y
इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, जीरो होगी। हम यही तो चाहते थे कि जीरो निकालने के लिए अगर हमारे को जिस जगह पे पॉलिनोमियल की वैल्यू, बहुपद की वैल्यू क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, उस जगह पे एक्स का जो भी मान होगा, कुछ भी हो सकता है एक्स का मान, वो मान ही क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा, शून्य होगा। तो देखो इस जगह पे देखो एक्स यहाँ जीरो होता है, इधर की तरफ जाते हैं तो जीरो थोड़ी ना होता है, इधर जाते हैं तो जीरो थोड़ी ना होता है, तो यहाँ एक्स का कुछ ना कुछ तो मान है, लेकिन वाई का मान हमें कितना मिल गया, जीरो मिल गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट था। तो एक्स का मान मान लो अल्फा है, तो एक्स बराबर अल्फा के लिए पी एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली, जीरो मिल गई। यानी एक्स बराबर अल्फा ही हमारे इस वाले पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक ग्राफ होगा। अब ये पॉइंट, ये वाला जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट से गुजर रहा है, एक्स बराबर अल्फा, और अल्फा क्या है, जीरो और वन के बिल्कुल बीचों बीच है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है, वन बाई टू, जो कि 0.5 होती है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स बराबर वन बाई टू क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल यानी कि पी एक्स बराबर टू एक्स माइनस वन का क्या होगा, एक शून्यक होगा। इसको हम इस तरीके से भी चेक करके देख सकते हैं, वहां से भी हमारे को 1/2 ही मिल रहा है। फिर हमने ये देखा कि नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स के जीरोज कितने हो सकते हैं, शून्य कितने हो सकते हैं। तो जितनी जगह पे कट करेगा उन हर जगह पे क्या होगा, पी एक्स की वैल्यू जीरो मिलेगी, और जितनी बार पी एक्स की वैल्यू जीरो मिलेगी उतनी ही एक्स की वैल्यूज के लिए हमारे को क्या मिलेगा, जीरोज यानी कि शून्यक मिलते जाएगा। तो यहाँ देखो एक लाइन कभी भी एक से ज़्यादा बार कट नहीं कर सकती, एक ही बार कट कर सकती है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज एट मोस्ट मतलब अधिकतम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है, यानी एक ही जगह पे कट करेगा तो एक ही हो सकता है, एक्स की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल। तो देखो एक स्पेशल केस और है इसका, जो नोट में लिख दिया है, अगर कोई कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जैसे कि वाई बराबर थ्री या पी एक्स बराबर थ्री या पी एक्स बराबर फोर या माइनस टू हो गया पी एक्स बराबर, तो उनका ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के समांतर होगा, तो कभी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। क्योंकि देखो ये अगर लाइन यहाँ से कट करती तभी तो यहाँ पे हमारे को पी एक्स की वैल्यू जीरो मिलती, अब ये कभी कट ही नहीं करेगा तो हमारे को पी एक्स की वैल्यू कभी जीरो ही नहीं मिलेगी, मतलब इसका कोई भी जीरो नहीं है, इसका कोई भी शून्य नहीं होगा, ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए। अब इसी को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से सोचे तो हमारे को ये वाला पॉइंट कितना मिला था, 1/2। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म वाले को ही जीरो के बराबर रख के देखें, यानी कि ए एक्स बराबर माइनस बी हो गया, एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस बी बाई ए हो गया। अब देखो वहाँ पर हमने ए और बी की वैल्यूज निकाली है, तो माइनस तो ये वाला माइनस और बी की वैल्यू माइनस का वन है, ए की वैल्यू टू है, तो यहाँ से कितनी मिल रही है, 1/2 मिल रहा है, मतलब यही एक्स की वैल्यू थी जिसकी वजह से हमारे को पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिली है, जीरो मिली है। तो ये अगर हमारे को डायरेक्ट फाइंड करना हो कि वो पॉइंट कौन सा होगा तो हम कैसे पता कर सकते हैं, एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये वाला पॉइंट क्या होगा, एक्स बराबर माइनस अपॉन माइनस बी अपॉन ए, यही हमारे पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा, अर्थात शून्य होगा। तो यहाँ से एक एक नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ग्राफ बना के दे देगा, बोल देगा कि नंबर ऑफ जीरोज बताओ, तो जितनी जगह का अगर एक्स एक्स को कट कर रहा है वहाँ वहाँ क्या होगा, एक्स की वैल्यू कुछ होगी और उसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिलेगी। हमारे को उसी उन्हीं सभी पॉइंट्स को गिन के बता देना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, यहाँ एक है, इस वाले केस में एक भी नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिए। मैं इसका कंक्लूजन फिर नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का जो कंक्लूजन है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो हमने क्या क्या सीखा कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक लाइन बनता है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कौन सा होगा, इनमें से चार ऑप्शन दे देगा, उनमें से एक ऑप्शन लाइन भी होगा। डिग्री पूछ ले लीनियर पॉलिनोमियल की तो वो कितनी होती है, 1 होती है। इसके एटमोस्ट यानी अधिकतम शून्य नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, शून्य कितने हो सकते हैं, सॉरी यहाँ पे लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ कितने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज कितने हो सकते हैं, 1। कौन सा होगा वो वाला, वो यहाँ लिखा है। देखो पी एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करेगा करता है, उस पॉइंट पे पी एक्स हमेशा कितना मिलेगा, जीरो। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई बराबर पी एक्स बराबर हमेशा क्या होता है, जीरो होता है होगा। और उस पॉइंट पे एक्स की जो वैल्यू होगी, भाई एक्स तो जीरो नहीं होगा ना एक्स एक्सिस पे, केवल ओरिजिन पे ही एक्स जीरो होता है या वाई एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू होगी वही बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है या होती है। ये चीज़ समझ में आ गई। एक स्पेशल केस और देखा था, अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो अर्थात अचर बहुपद हो तो उसका ग्राफ क्या होता है, हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। एक्स एक्सिस को अगर कट ही नहीं करेगा तो वहाँ पे हमें पी एक्स की वैल्यू कभी जीरो मिलेगी नहीं, और जहाँ पी एक्स की वैल्यू जीरो ही नहीं मिलेगी तो हम बोल देंगे कि उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, कोई भी नहीं होगा अर्थात जीरो होगा, कोई भी जीरो
नहीं होगा। तो ये चीज भी नोट कर लीजिए, फिर हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के ग्राफ देखते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बारे में हमारे को पहले क्या क्या पता है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के ग्राफ बना के देखेंगे। तो देखो, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री अर्थात जिसकी जो घात है, मैक्सिमम पावर है, वो कितनी हो, दो हो, वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहलाता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का होगा। यहाँ ए बी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए और ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए अगर जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, पूरा टर्म जीरो हो गया। अब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की अर्थात चर की अधिकतम घात कितनी रह गई, एक रह गई, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह के क्या बन जाएगा, अब लीनियर पॉलीनोमियल बन गया। इस वजह से क्या करेंगे हम, ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन लिख दी। अब इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ होता है पैराबोला, अर्थात हिंदी में बोलते हैं परवलय। अब पैराबोला की शेप कैसी होती है, देखो कुछ इस टाइप की। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने लेक्चर नंबर 1 जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था किसी चीज़ को जब थ्रो किया जाता है तो वो जो पाथ फॉलो करती है कुछ ऐसा ही दिखता है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था जो एफिल टावर है उसके नीचे की जो शेप है वो भी कुछ इसी तरीके की दिखती है। तो वो एक्चुअल में ग्राफ किसका होता था, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ही ग्राफ वहाँ पे यूज किया गया होगा, जब उसको बनाया गया होगा उसकी हेल्प से इक्वेशंस वगैरह बनाई गई होगी, फिर उसको डिजाइन किया गया होगा। तो देखना, बस अभी याद रखना, प्रॉपर तरीके से बना के देखेंगे। यहाँ मैंने जो लिखा है उस हर चीज़ को हम एक्चुअल में बना के देखेंगे, ये सच में ऐसा बनता भी है या ऐसा बनता ही नहीं है, केवल बोल दिया कि ऐसा ही बनता है। तो देखो, ये पैराबोला का ग्राफ है, दो तरीके से बन सकता है। हो सकता है ओपनिंग कहाँ हो, अपवर्ड हो, ऊपर की तरफ खुला हुआ हो, या फिर नीचे की तरफ खुला हुआ हो। कौन से वाले केस में कौन सा वाला ग्राफ बनता है, इसके लिए हम इसके 6 ग्राफ्स पढ़ेंगे। 6 ग्राफ्स से हमारे को अलग अलग कंडीशंस मिलेगी, उन कंडीशंस को लास्ट में क्या करेंगे, हम एक जगह लिख के देखेंगे कि हमने सारे ग्राफ्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, उन ग्राफों के अकॉर्डिंग हमारे को कौन कौन सी चीज़ें समझ में आई, उन सबको हम एक जगह पे लिख के फिर क्या कर लेंगे, कंक्लूजन निकाल लेंगे कि अगर ऐसा होगा तो ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा होगा तो ग्राफ ऐसा बनता है। तो ये चीज़ एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम शुरू के 2 ग्राफ पहले बनाते हैं, तो 3 स्लाइड पे हम क्या करेंगे, टोटल 6 ग्राफ्स को कवर कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के ग्राफ कैसे बनते हैं। तो देखो, तो हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। एक एग्जाम्पल तो ये रहा, देखो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। एक एग्जाम्पल है 3-2x-x2, जिसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, माइनस 2x और फिर 3 प्लस का यहाँ लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। और यहाँ से हमने एक चीज़ और निकाल ली है जो हमारे को यूज करनी है बाद में, ए बी सी की वैल्यू। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेरिजन करें किससे, पी एक्स बराबर क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे अगर कंपेयर करें तो देखो ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -8 है। तो ये वाली वैल्यूज भी मैंने यहाँ लिख दी है, और इसके लिए भी ए की वैल्यू -1 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू 3 है। ये भी हम यूज करेंगे आगे, जब हम यहाँ देखो एक चीज़ और लिखी है मैंने, आगे समझाऊंगा ये क्या होता है तब हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए हम पॉइंट्स निकाल के देखते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स बनेंगे जिनके लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम से कम 7-8 पॉइंट हमें बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइन में तो क्या होता है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करते ही हमारे को सीधा एक लाइन मिल जाती है लीनियर पॉलीनोमियल के अंदर। लेकिन यहाँ कम से कम 8 पॉइंट मिनिमम बनाने हैं जिससे कि हमारा ग्राफ पूरा कर्व कर जाए, वरना 2 पॉइंट को ज्वाइन करते वक्त तो हमेशा एक लाइन ही बनेगी। तो देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की कुछ वैल्यूज डालते जाएंगे, उसके हिसाब से वाई की वैल्यू क्या मिलेगी वो देखते हैं। एक्स की वैल्यू 0 रखी, तो ये भी 0, ये भी 0, केवल क्या बच गया, -8। तो y की वैल्यू यानी कि पी एक्स की वैल्यू कितनी मिली, -8, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखे, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, मैं साथ के साथ इनको मिटा भी दूंगा, 1-2-8 ये हो जाएगा, 2 × 1 = 2 होगा, और माइनस का, और -2-8 कितना हो गया, -10, -10 में +1 करेंगे तो -9 आ गया। इसी तरीके से अगर 2 रखें तो क्या होगा, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 2 × 2 ये भी 4 आएगा, तो 4-4 कितना हो गया, 0 हो गया, और क्या बोलते हैं, केवल कितना बच गया, -8 बच गया। 3 रख के देखें तो क्या होगा, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो रहा है, और इधर 2 को 3 से करेंगे 6 हो रहा है, तो -6 और -8 ये तो कितना हो गया, -14, -14 में +9 करेंगे तो -14
5 मिल गया। इसी तरीके से 4 रख के देखें तो क्या होगा, देखो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8 और माइनस का 8 कितना हो गया 16 हो गया माइनस का, और इसमें प्लस का 16 करेंगे तो यानी कि 4 पे हमारे को कितना मिल गया, 0 मिल गया। उसी तरीके से 5 रख के देखो तो 25 माइनस 10 माइनस 18, माइनस 10 और माइनस 8 दोनों मिला के माइनस 18 हो गए, और उसमें 25 करेंगे तो कितना आंसर मिला हमारे को, 7 मिला। और उसी तरीके से 6 रख के देखें तो 36 12 माइनस 8 कितना हुआ, माइनस 20, 36 में से माइनस 20 करेंगे तो देखो ये बड़ी वैल्यू आ रही है जो कि हमारे ग्राफ पे है नहीं, तो एक काम करते हैं कोई नेगेटिव की वैल्यू रख लेते हैं, माइनस का 1 रख के देख लेते हैं। तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखो ये तो 1 आया, ये प्लस का 2 आया, ये 8 आया, तो 1 और 2 3 हो गया, 3 माइनस 8 करेंगे तो माइनस का 5। इसी तरीके से माइनस का 2 रख के देखें तो माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस का 4 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये माइनस का 2 रखा है हमने तो माइनस 2 माइनस 2 प्लस का 4 माइनस का 8, 2 4 4 8 हो गया, 8 माइनस 8 करेंगे 0 आ गया, तो यहाँ भी हमें 0 मिल गया। तो पहले हम देखो इसी से समझते हैं, हमने x की कुछ वैल्यूज रखी उसके हिसाब से हमें पॉलिनोमियल की ये वैल्यू मिली, क्या इस जगह पे और इस जगह पे हमें पॉलिनोमियल यानी px की वैल्यू 0 मिल रही है? ध्यान से देखो, इन दोनों जगह पे हमारे को px की वैल्यूज क्या मिली है, 0 मिली है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो ये x बराबर 4 है और यहाँ से देखें तो x बराबर माइनस का 2, ये दो वो वैल्यूज है जिनको रखने पर हमारे को पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई। ये चीज़ समझ में आ गई, तो इसको आप लोग पहले इतने को नोट कर लेना, मैं इसको मिटाऊंगा यहाँ से, मैं लास्ट में एक बार और समझा दूंगा, अभी मैं केवल समझाने के लिए था यहाँ। तो देखो अब हम आगे इसका ग्राफ पहले प्लॉट कर लेते हैं, क्या सच में पैराबोला बन भी रहा है नहीं बन रहा। तो देखो सबसे पहला है x बराबर 0 है, जो कि हमेशा क्या होता है, y एक्सिस पे 0 होता है, और x एक्सिस पे y हमेशा क्या होता है, यानी कि px हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो देखो x जब 0 होता है तो y कितना था, माइनस का 8, माइनस का 8 कहाँ होगा, काफ़ी नीचे होगा ये तो, माइनस 1। एक काम करता हूँ इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ मैं, क्योंकि हमें इनकी तो ज़रूरत है नहीं, तो इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ मैं, जैसे कि हमारा ग्राफ अच्छे से दिख जाए आप लोगों को। देखो यहाँ बना देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक ही हमें यूज करना है मैक्सिमम इधर। देखो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 और माइनस 9, तो वो वाला पॉइंट कहाँ बनेगा हमारा, ये वाला यहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, मतलब ये वाला 0, -8 वाला पॉइंट कहाँ बनेगा, वाई एक्सिस पे बनेगा यहाँ। मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ जिससे विजिबल होगा आपको। देखो तो पहला पॉइंट हमने बना लिया, ठीक है, जब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस 1। तो देखो एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक हमने हाइएस्ट लिया, तो उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, तो वो पॉइंट कहाँ बनेगा, देखो एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू माइनस का 1, फिर एक्स की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8, तो वो कहाँ बनेगा, वापस से इसके बराबर में बनेगा। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, तो वो पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ और कहीं इसके सिद में इधर की तरफ कहीं पे बनेगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब 4 है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, तो वो पॉइंट कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5 के ऊपर y की वैल्यू कितनी मिल रही है, हमारे को 7 मिल रही है, यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा इधर। उसी तरीके से x की वैल्यू माइनस 1 है, माइनस 1 यहाँ होगा तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा वो पॉइंट। उसी तरीके से x की वैल्यू जब माइनस का 2 है, माइनस का 2 है तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0, तो y की वैल्यू 0 यहाँ होगी, ऐसे आगे भी चलेगा। तो जब इन सभी को ज्वाइन करते हुए हम एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा। ऐसे ही कुछ आगे तक चलता रहेगा। तो क्या ये वाला ग्राफ पैराबोला दिख रहा है आप लोगों को, ध्यान से देखिए। तो ये हमारा जो हमने एक्चुअल में लिखा था कि पैराबोला होता है, हमने बना के भी देख लिया कि सच में पैराबोला ही होता है। तो ये हमारा पीएक्स का ग्राफ है।
अब इस ग्राफ से एक काम करते हैं, पहले इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, फिर दोनों ग्राफ का कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे, इससे हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आई। तो मैं पहले इसी को समझा देता हूँ, फिर उसके लिए देखो अलग पड़ेंगे। देखो इस जगह पे क्या हमारे को पी एक्स की वैल्यू 0 मिल रही है क्या? यहाँ एक्स की कुछ वैल्यू होगी, मान लो कि अल्फा जो एक्चुअल में दिख ही रही होगी 4 है, और यहाँ भी पी एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 मिल रही है क्या? क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जिसको हम पी एक्स बोलते हैं वो हमेशा कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ भी पी एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। इसका मतलब यहाँ एक्स बराबर बीटा मान लो इसको, और ये क्या हो गया? माइनस का 2। यानी एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा जो कि 4 और माइनस का 2 है, वो दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे पॉलीनोमियल की वैल्यू हमारे को कितनी मिल गई? 0 मिल गई। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसके दो जीरोज होंगे। देखो इन दो ही पॉइंट पे क्या मिल रही है हमारे को? पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है। तो ये इन दोनों पॉइंट्स पे जो एक्स की वैल्यू होगी वही हमारे क्या होंगे? शून्य हो गए, जो कि हमने यहाँ देखा था। देखो ये वाला पॉइंट देखो और ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पी एक्स की वैल्यू जो हमारे को कितनी मिली है इन दोनों पॉइंट्स पे? 0 मिल रही है। यहाँ देखो पी एक्स की वैल्यू, तो यानी कि यहाँ एक्स की जो भी वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यही हमारे बहुपद के अर्थात पॉलीनोमियल के क्या कहलाएंगे? जीरोज होंगे। तो ग्राफ से हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जीरोज क्या होंगे। तो यहाँ देखो दो जीरोज मिल रहे हैं हमारे को, एक्स बराबर 4 मिल रहा है और एक्स बराबर माइनस का 2 मिल रहा है। तो इसके दो जहाँ जितने जगह कट करेगा वहाँ वहाँ हमें क्या मिलेगा? पी एक्स की वैल्यू 0 मिलेगी। तो यहाँ इन दोनों जगह पे पी एक्स की वैल्यू 0 मिली, तो ये दोनों पॉइंट ही क्या है? हमारे जीरो होंगे। यानी कि एक्स की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे वो हमारा क्या होगा? 0 होगा। अब देखो हमें ये दो चीज़ें भी निकालनी है साथ में, जिससे हम लोग फिर लास्ट में इसको जब कंक्लूड करेंगे तो वहाँ पर समझ सकेंगे। तो हमें ए का साइन पता करना है। तो ये वाला ए, तो ये ए 1 है जो कि क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ हमने दो चीज़ें और पता की है, वो क्या है देखो, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक चीज़ हमने ये देखा कि ए का साइन क्या है? 0 से बड़ा, मतलब ए क्या है? 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। ये चीज़ निकाली। फिर एक चीज़ और हमें निकालनी है जो कि हमें फोर्थ चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी, वो क्या है? डी। अभी सिर्फ याद रखना कि डी इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर्ण। विविक्त कर्ण डी होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही ये चीज डिसाइड करता है कि इसके ये ग्राफ एक जगह कट करेगा, दो जगह कट करेगा, या तीन जगह कट करेगा। जब हम सभी ग्राफ्स के निकाल लेंगे ना, तब हम समझेंगे कि देखो डी का क्या मतलब था। तो हम पहले डी की वैल्यू निकाल ही लेते हैं इस वाले केस के लिए। तो डी की वैल्यू क्या आएगी? देखो मैं इधर निकाल देता हूँ। बी कितना है? माइनस का 2, माइनस के 2 का स्क्वायर, माइनस 4। ए कितना है? 1, और सी कितना है? माइनस का 8 है। तो हमने क्या किया? माइनस का 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को 8 से करोगे 32 हो गया, और जब प्लस करोगे तो 36 हो गया। क्या डी 0 से बड़ा हो रहा है? तो यानी इस वाले केस के लिए हमने दो चीज़ें पता कर ली, डी की वैल्यू 0 से बड़ी है और ए की वैल्यू भी 0 से बड़ी है। देखो अभी आगे जाके हमें समझ में आएगा ए का वैल्यू 0 से बड़ी हमने क्यों लिखी है, डी की वैल्यू 0 से बड़ी क्यों लिखी है। अलग अलग केस जब बनेंगे उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो अब ये वाला ग्राफ हम बना के देखते हैं कि इसके लिए वैल्यूज कैसे निकलेगी। तो देखो यहाँ मैं सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0, ये भी 0, कितना आया? 3 आ गया। यानी कि हमें वाई की वैल्यू कितनी मिल गई? 3 वाला पॉइंट भी कहीं ना बनेगा। तो एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी मिली? 3। मैं साथ के साथ प्लॉट भी करता जाता हूँ जिससे कि हमारे को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा वापस दोबारा बनाने के लिए। उसी तरीके से एक्स की वैल्यू 1 रख के देखो, तो जब एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा? देखो ये तो हो गया माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 2, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 आएगा, एक 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और प्लस का 3, कितना मिला? 0 मिला। यानी x की वैल्यू जब 1 रखी थी तो y की वैल्यू हमारे को कितनी मिली? 0 मिल गई। तो वो वाला पॉइंट कहाँ होगा? कहीं यहाँ बनेगा हमारा वो पॉइंट। इसी तरीके से देखो जब x की वैल्यू क्या करें हम 2 रख के देखें, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस लगा हुआ है, माइनस का 4 हो गया, और 2 को 2 से करेंगे माइनस का 4 ही हो गया, माइनस का 4 हो, माइनस का 4 माइनस का 8, और माइनस का 8 प्लस 3 करोगे तो माइनस का 5 मिल गया। तो 2 के ऊपर वो वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा? माइनस का 5 कहीं यहाँ मिलेगा वो वाला पॉइंट। तो इसको भी मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ साथ के साथ, क्योंकि 2 ये रहा, माइनस का 5 ये रहा, ठीक है। 3 अगर रखें तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 9 आ गया ये,
और ये हो गया माइनस का 6 हो गया, प्लस का 3 हो गया, तो माइनस 15 प्लस 3 कितना हो गया, माइनस का 12 हो गया, तो यानी कि 3 के ऊपर माइनस का 12 आ रहा है। तो जो कि हमारे ग्राफ पे नहीं है, देखो यहाँ माइनस 10 कहीं होगा, आगे होगा 11 होगा, तो 3 के ऊपर वो पॉइंट कहाँ मिलेगा, माइनस का 12 कहीं नीचे की तरफ हमारे को मिलेगा। अब हम नेगेटिव वाली वैल्यूज भी पुट करके देख लेते हैं। जैसे माइनस 1 पुट करें तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 आएगा, प्लस 1 के आगे 1 लगा हुआ है तो वो क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया, ठीक है। माइनस 1 को माइनस 2 से करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3। देखो 2 और 3 कितना हुआ, 5, 5 में से 1 गया तो माइनस का, माइनस का 1 करेंगे 5 में से तो प्लस का 4 बच गया, तो माइनस 1 पे वो वाला पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, कहीं पे यहाँ मिलेगा, यानी कि माइनस 1 के ऊपर वैल्यू कितनी आ रही थी, 4 आ रही थी। उसी तरीके से माइनस 2 के ऊपर निकाले वैल्यू तो क्या आएगी, देखो माइनस 2 का स्क्वायर तो प्लस का 4 होगा, ठीक है, और आगे माइनस लगाया तो माइनस का 4 हो गया, माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, प्लस 4 हो गया और प्लस 3, तो ये तो 0 हो गया, कितना आया, 3 आया, तो इसकी वैल्यू कितनी मिली, 3 मिली। यानी कि जब माइनस 2 था तो उसकी वैल्यू कितनी मिली हमारे को, 3 मिली। माइनस 1 की पॉइंट को मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, देखो जगह की वजह से ऐसा हो रहा है, ये 4 है और ये वाला पॉइंट कहाँ था, कहीं यहाँ बना, ठीक है। उसी तरीके से माइनस 3 रख के देखें तो देखो माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो माइनस का 9 हो गया, माइनस 2 और माइनस 3 प्लस का 6 हो गया और प्लस का 3 हो गया, तो देखो माइनस 9 और ये भी 9 हो गया, तो यहाँ कितना मिला हमारे को, 0 मिला। यानी कि जब माइनस का 3 पुट किया तो हमें कितना मिला, 0। तो माइनस के 3 पे वो वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा, कहीं यहाँ मिलेगा वो वाला पॉइंट। उसी तरीके से एक और वैल्यू निकाल लेते हैं माइनस के 4 के ऊपर, तो माइनस का 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, आगे माइनस है तो माइनस का 16 हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 4, माइनस को माइनस प्लस 8 हो गया और प्लस का 3 है, ये देखो 11 हो रहा है और 11 में से माइनस 16 गया तो माइनस का 5। यानी कि जब हम माइनस का 4 रखेंगे यहाँ तो हमें कितना मिलेगा, माइनस का 5 यहाँ मिलेगा, तो जो कि क्या होगा, इधर होगा। अब इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो ये भी क्या है, पैराबोला बन रहा है जो कि नीचे की तरफ खुला हुआ है, देखो ध्यान से, तो नीचे की तरफ खुलता हुआ पैराबोला भी हम इससे बना सकते हैं। अब यहां भी हमें वो दोनों चीजें निकालनी है, क्या है, ए और डी की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। और यहां देखो एक्स बराबर 1 के लिए हमारे को पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल रही है, और यहाँ x बराबर माइनस 3 के ऊपर भी हमारे को पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिली है, 0 मिली है। तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर 1 और x बराबर माइनस के 3, ये वाले दोनों इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि इन्होंने क्या कर दी, पॉलिनोमियल की वैल्यू को किसके बराबर बना दिया, 0 के बराबर बना दिया। अब a और d भी निकाल लेते हैं, उनके साइन पता कर लेते हैं। तो a क्या है, माइनस का 1, जो कि क्या है, 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है। इसी तरीके से d की वैल्यू निकाले तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना आ रहा है, माइनस का 2 उसका स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, माइनस का 1, और c कितना है, प्लस का 3 है, तो माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4, माइनस माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, और 4 को फिर 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 16, जो कि d की वैल्यू यहाँ 0 से बड़ी आ रही है। तो ये भी चीज़ हमने क्या कर ली, यहाँ नोट कर ली, दोनों जगह से हमने दोनों के पहले टेबल बना के ग्राफ बना लिए, ग्राफ की हेल्प से हमने ये समझ लिया कि इसके 0 का क्या मतलब था, यानी जहाँ ग्राफ कट करेगा वहाँ px हमें 0 मिल रहा है, वहाँ x की जो भी वैल्यू होगी वो हमारा ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ इसको मान सकते हो x बराबर अल्फा या बीटा, तो इसको मैं बीटा बोल देता हूँ, और यहाँ ये वाला x बराबर मान लिया कि ये क्या है, हमारा अल्फा है। इसका ग्राफ भी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ खुलता हुआ पैराबोला बन रहा है, इसका ग्राफ ऊपर की तरफ खुलता हुआ पैराबोला बन रहा है। तो इनकी कंडीशन जरूर याद रखना, लास्ट में मैं इन सभी कंडीशन को क्या करूँगा, एक जगह लिख दूंगा, और उसके बाद में हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो इन दोनों ग्राफ्स को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के दो ग्राफ देखते हैं। अब हम नेक्स्ट 2 पॉलिनोमियल्स के ग्राफ देखते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 और कंडीशंस हो सकती है, उनको देखते हैं। देखो एक है ग्राफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, एक है माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। तो सबसे पहले हमने ए बी सी लिख लिया इनका, ए कितना है 1 है, बी कितना है माइनस 6 है, देखो, और सी कितना है 9 है, और यहाँ से ए कितना है माइनस 4 है, बी प्लस 4 है, और सी माइनस का 1 है, और साथ में हमें ए और डी के साइन भी निकालने थे तो वो भी निकाल लिए। तो देखो
यहाँ ए क्या है, जीरो से बड़ा है, ए ग्रेटर देन जीरो दिख रहा होगा, वन है तो, और यहाँ ए माइनस फोर है जो कि जीरो से छोटा होगा, तो ए का साइन पता कर लिया। इसी तरीके से डी निकाल लिया, डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विभेद का निकाल लिया हमने, वो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वो क्या होगा बी स्क्वायर यानी माइनस छः का स्क्वायर फोर, ये वाला फोर, ए कितना है वन है और सी कितना है नाइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो छः को छः से मल्टीप्लाई करोगे 36 और 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 36, 36 माइनस 36 कितना आया, जीरो आया। इसका मतलब यहाँ पे हमारे को d की वैल्यू कितनी मिल गई, जीरो मिल गई। उसी तरीके से यहाँ करेंगे तो बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 ये रहा ऐसे कैसे, b वाला ये वाला, और a कितना है माइनस का 1 और c कितना है माइनस का 1, तो देखो 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 16 हो जाएगा। यहाँ क्या आ रहा है 16 माइनस 16, डी की वैल्यू यहाँ भी कितनी आई, जीरो आई। तो हमने सबसे पहले ये दोनों वैल्यूज निकाल ली। अब मैंने क्या है कि इनकी टेबल के अंदर वैल्यूज पहले से लिख दी है, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप एक्स की अलग अलग वैल्यूज पुट करना और फिर ये वाली वैल्यूज पुट करके देखना कि हमारे को वाई की वैल्यूज क्या मिलती है। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है जिससे कि आपका टाइम बचे और आपको केवल समझने पे फोकस करना है, क्योंकि वैल्यूज निकालने वाला पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। तो देखो एक्स अब जीरो है तो वाई की वैल्यू कितनी है, नाइन है, तो पॉइंट कहाँ होगा, कहीं वाई एक्सिस पे होगा। एक्स की वैल्यू जब वन है तो वाई कितना है, फोर, तो एक्स की वैल्यू वन है तो वाई कितना है, फोर यहाँ होगा। एक्स की वैल्यू जब टू है तो वाई कितना है, वन, तो वो वाला पॉइंट कहीं यहाँ होगा। x की वैल्यू 3 है तो y कितना है, 0 है, जो कि x एक्सिस पे होता है, y हमेशा 0, और यहाँ x एक्सिस पे y 0 होता है और यहाँ x क्या होता है, 0 होता है। तो y जब 1 है, x बराबर 4 है तो y कितना, 1, तो वो पॉइंट कहाँ होगा, देखो y 1 ये रहा, x 4 ये रहा। y जब 5 है, x 5 है जो, तो y कितना है, 4 है, तो x बराबर 5 है तो y कितना है, 4, तो वो पॉइंट कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा। x जब कितना है, 6 है, तो y कितना है, 9, तो वो पॉइंट कहीं यहाँ होगा। इसी तरीके से x जब 7 है तो y कितना होगा, 16, तो 13 यहाँ आएगा, तो 16 कहीं यहाँ आएगा। जब इनको ड्रॉ करेंगे हम, तो देखो ध्यान से इसका ग्राफ भी क्या बन रहा है, पैराबोला ही बन रहा है, ये भी आगे इस तरीके से ग्राफ जाएगा। लेकिन यहाँ नोट करने वाली चीज क्या है वो ध्यान से देखो, यहाँ केवल एक ही पॉइंट ऐसा आ रहा है जो क्या कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है, या उसको यानी कि हम बोल सकते हैं x एक्सिस पर टच करने वाला एक ही पॉइंट है, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, जीरो होगी, और x की वैल्यू कितनी है, 3। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को टच करके जा रहा है, यानी कि x की केवल एक ही वैल्यू ऐसी है जिसके ऊपर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो यहाँ केवल एक ही जीरो होगा, x एक्सिस पे एक ही जगह टच करके जा रहा है, तो इसका यही क्या होगा हमारा, इसका शून्य हो जाएगा पॉलिनोमियल का, क्योंकि इस जगह पे हमारे को पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल रही है, जीरो मिल रही है। तो इस वाले ग्राफ से हमने क्या किया, ये कंक्लूड किया कि यहाँ केवल एक ही जगह टच करके जा रहा है, इसलिए केवल एक्स की एक ही वैल्यू है जिस जगह पे हमारे को पॉलिनोमियल यानी कि पी एक्स की वैल्यू कितनी मिली है, जीरो मिली है। और हमने ये भी पता किया कि ए की वैल्यू जीरो है और डी की वैल्यू यहाँ पे जीरो से बड़ी है ए की वैल्यू, और डी की वैल्यू कितनी है, जीरो है। सेम इसी तरीके से ग्राफ को यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ मैंने कुछ फ्रैक्शन में वैल्यूज भी लिए जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इससे देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, माइनस टू पे वैल्यू कितनी है, -25, तो -25 कहीं नीचे होगी, -2 के ऊपर बहुत नीचे होगी, कहीं यहाँ पॉइंट होगा, मैंने बना दिया, आई थिंक आपके स्क्रीन पे भी नहीं आ रहा होगा। -1 क्या है, -9 होगा, तो -1 ये रहा, तो वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 9 यहाँ कहीं होगा, वो वाला पॉइंट। मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, देखो अब x बराबर -1/2 है, तो x बराबर -1/2 क्या होगा, -1 और 0 के बीच में होगा यहाँ, तो वो वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 4, तो वो वैल्यू कहाँ होगी, कहीं इस जगह पे बनेगा वो पॉइंट। उसी तरीके से x जब 0 है तो y कितना है, माइनस का 1, x 0 y एक्सिस पे होता है, y कितना है, माइनस का 1, तो वो पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। फिर अगला पॉइंट देखो ध्यान से, x की वैल्यू जब 1/2 है, मैं वैल्यू पुट करके भी बता देता हूँ आप लोगों को 1/2 वाली, तो -4 मल्टीप्लाई 1/2 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2 -1, तो देखो -4 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया, और यहाँ 2 से 2 कट गया, कितना आया, प्लस का 2 आ गया, माइनस का 1, ये 4 से 4 कट गया, एक बार माइनस का 1 प्लस 2 -1, -1 -2 हो गया, और -2 प्लस 2 करेंगे तो 0 मिल गया। तो हम बोल सकते हैं कि 1/2 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी आई है, 0 निकल के आई है, तो वाला पॉइंट कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा 1/2, 0 और 1 के बीच में। और y की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है,
हमारे को कितनी मिली है, जीरो मिल रही है, यानी कि पी एक्स की वैल्यू। उसी तरीके से वन पे कितना होगा, वापस माइनस वन हो गया, और टू पे माइनस का नाइन होगा, तो टू यहाँ है, माइनस का नाइन वाला पॉइंट यहाँ होगा, थ्री पे फिर से वही 24 वाला पॉइंट, 25 वाला है माइनस पे। तो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ये भी क्या बन रहा है, देखो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, उसको ध्यान से देख लेना, ये भी क्या बन रहा है, एक पैराबोला ही बन रहा है, लेकिन ये नीचे की तरफ खुल रहा है, ये भी एक ही पॉइंट पे टच करके जा रहा है। कौन से वाले पॉइंट पे, x बराबर 1/2 के ऊपर हमारे को px की वैल्यू कितनी मिल रही है, जीरो मिल रही है। तो यहाँ भी इसका नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, एक ही निकल के आ रहा है। कंडीशन बहुत ध्यान से देखना, यहाँ a की वैल्यू जीरो से छोटी है, d की वैल्यू यहाँ पे जीरो के बराबर है, और ग्राफ नीचे की तरफ खुलता हुआ बन रहा है। इन दोनों को भी नोट कर लीजिए, फिर हम अगले दोनों ग्राफ देख के इसको पूरे को कंक्लूड करते हैं। अब हम नेक्स्ट टू ग्राफ और देखते हैं, इसके बाद में इसको कंक्लूड करते हैं। देखो ग्राफ दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x² - 4x + 5। सबसे पहले तो हमें ABC की वैल्यू निकाल लेनी है, a बराबर 2 है, b बराबर -4 है, और c बराबर 5 है। उसी तरीके से a बराबर माइनस का 3 है, b बराबर 2 है, और c बराबर कितना है, माइनस का 1 है। यहाँ a 0 से छोटा है और यहाँ a 0 से बड़ा है। उसी तरीके से जब d की वैल्यू निकालोगे तो आप कैलकुलेशंस कर लेना, यहाँ पे d की वैल्यू क्या आएगी, 0 से छोटी निकल के आएगी, और यहाँ जीरो की, यहाँ भी क्या होगा, डी की वैल्यू जीरो से छोटी निकल के आएगी। तो ये आप कैलकुलेशन देख लेना, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगे हमारा वीडियो ले उसके अंदर की ज़्यादा लेंथ नहीं हो, इसलिए आप करके देख लेना, यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने सारी चीज़ें यहाँ लिख भी दी है और मैंने इनके पॉइंट्स भी यहाँ लिख दिए हैं, तो आप खुद निकाल के देखना पॉइंट्स, एक्स की वैल्यूज डाल डाल के, यहाँ मैंने जो वैल्यू रखी है वो पुट करना, फिर क्या करना, पी एक्स की वैल्यू निकालना, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चंस की। हमारे को बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जिससे वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आगे हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो माइनस टू पे ग्राफ कितना है, 21 पे, तो मैंने यहाँ पे डैश डैश करके 21 कहीं बना दिया है, तो वहाँ ग्राफ कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं वो वाला पॉइंट होगा। माइनस वन पे ग्राफ कितना है, 11, तो माइनस वन पे इसका पॉइंट कहाँ होगा, कहीं 11 यहाँ होगा। जीरो पे पॉइंट कितना है, 5, तो एक्स जीरो वाई एक्सिस पे होता है, तो वो पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ। वन पे कितना है पॉइंट, 3 है, तो 1 के ऊपर पॉइंट कहाँ मिलेगा, 3 मिलेगा। टू पे कितना है, फिर से 5 है, तो पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा। उसी तरीके से 3 पे कितना है, 11 है, तो 3 पे 11 वापस यहाँ आ गया, और 4 पे कितना है, 21, जो कि यहाँ आ गया। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके का। ध्यान से देखो, ये वाला ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कहीं पे भी हमारे को पी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं मिल रही है। इसका मतलब इसके अंदर एक्स की कोई ऐसी वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है जिसके लिए हमारे को पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो मिल जाए। तो यहाँ अगर हम सोचें कि नंबर ऑफ जीरोज कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से जब इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ भी क्या होगा, इसी तरीके का बनेगा। तो यहाँ देखो -17, तो यहाँ कहीं होगा -2 के ऊपर वो वाला पॉइंट, -1 पे -6 वो वाला पॉइंट कहीं यहाँ होगा, 0 पे -1 है तो वो पॉइंट कहीं यहाँ होगा, और 1 पे 2 है माइनस का, 1 के ऊपर माइनस का 2 है, वो यहाँ कहीं होगा वो वाला पॉइंट। उसी तरीके से क्या होगा, आगे वाला पॉइंट अगर निकाले तो 2 पे कितना होगा, माइनस का 9, वो पॉइंट कहीं यहाँ होगा, और 4 पे -3 पे -26 वो कहीं नीचे आएगा आगे। तो जब इसको आगे ऊपर की तरफ लेके जाओगे ना, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और यहाँ तक जाके फिर वापस किधर आएगा, यहाँ तक। मतलब ये वाला पॉइंट मैं आगे आपको निकालना सिखाऊंगा, जो पीक वाला पॉइंट होता है ना, इनको वर्टेक्स बोला जाता है। तो वर्टेक्स इस तरीके से होगा कि यहाँ पे कोई भी एक्स एक्सिस पे कट नहीं करेगा। मतलब इस वाले केस में भी क्या होगा, पी एक्स की वैल्यू, यानी इसको हिंदी में शीर्ष बोलते हैं, तो यहाँ भी पी एक्स की कोई भी वैल्यू जीरो नहीं मिलेगी। या तो इस वाले केस में भी क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, कोई भी नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ भी जीरो जीरो होंगे, मतलब कोई भी शून्य नहीं होगा। तो ये तीन केस हमने देखे हैं अलग अलग, तीनों केसेस में क्या था, अब उसको कंक्लूड करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, ग्राफ पेपर पे खुद बनाने की कोशिश कीजिए ग्राफ। पीक वाला पॉइंट जो वर्टेक्स है, जो कि हम लास्ट में देखेंगे कि क्या होता है वर्टेक्स, इसका मतलब क्या होता है, और इसकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, डायरेक्ट हमारे को फॉर्मूला याद रखना है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर इस पूरे को हम एक वाले उसके अंदर रख के कंक्लूड करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखी है और इसका जीरोज का क्या मतलब निकल के आया, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम
देखते हैं कि हमने जितने भी ग्राफ्स पढ़े हैं उनका क्या कंक्लूजन निकल के आता है, कि उन ग्राफ्स से हमें क्या समझ में आया। देखो, तो सबसे पहले के दो ग्राफ हमने देखे थे, ऊपर की तरफ खुलता हुआ था, एक नीचे की तरफ खुलता हुआ था, दो पॉइंट पे कट करके जा रहा था। वहाँ जो कंडीशंस थी वो क्या थी, देखना ध्यान से, नोटिस करना, आप सभी ग्राफ्स को देखना, जितने भी ग्राफ ऊपर की तरफ खुलते हुए बने हुए हैं उन सब के लिए एक ही वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी होगी। उसी तरीके से जितने भी ग्राफ नीचे की तरफ खुले हुए हैं उन सब के लिए एक ही वैल्यू क्या होगी, जीरो से छोटी होगी। आपने जो छह ग्राफ बनाए उनको ध्यान से ऑब्जर्व करना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हमें एक तो देखो एक ही वैल्यू से ये समझ में आ गया कि ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा, या कि उसकी ओपनिंग अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद में ग्राफ हमने देखो तीन तरीके से देखा था, कि एक तो दो जगह टच करके जा रहा था या कट करके जा रहा था, इंटरसेक्ट करके जा रहा था। एक ग्राफ ये देखा था जो एक ही जगह टच करके जा रहा था, वो लास्ट के दो केस हमने देखे थे कि वो एक भी जगह टच करके या फिर उसको इंटरसेक्ट करके नहीं जा रहा था। तो देखो अगर यहाँ इन दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके जाएगा तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं दोनों पॉइंट, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पे पी एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स इसके जीरोज कहलाएंगे। तो जब इन दोनों केसेस को देखोगे तो यहाँ दो दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे पी एक्स की वैल्यू जीरो मिल रही है, इसमें केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पी एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, देखो जीरो मिल रही है, क्योंकि एक ही जगह पे टच करके जा रहा है, एक्स की एक ही वैल्यू है। जैसे से अल्फा, और यहाँ ऐसा समझ सकते हो कि अल्फा और बीटा दोनों क्या हो गए, एक ही जगह पे आ गए। ऐसा समझो, देखो इसको ऊपर खींचना शुरू करो, ये दोनों पास पास में आएंगे, और जहाँ दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे वहाँ एक्स बराबर अल्फा हो जाएगा और एक ही जगह पे टच करके जाएगा। उसी तरीके से इस वाले केस में एक भी जगह टच नहीं करके जा रहा, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो पता करें तो यहाँ कुछ एक भी जीरो नहीं है, यहाँ केवल एक ही जीरो होगा, एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पे पॉलिनोमियल कितना आएगा, जीरो के बराबर आ रहा। और यहाँ दो ऐसे पॉइंट है जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल रही है, जीरो मिल रही है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस टू होंगे, इसके वन होंगे, यहाँ पे जीरो होंगे। अब हमने डी की वैल्यू निकाली थी, उसकी कंडीशंस को भी ध्यान से ऑब्जर्व करना। शुरू के दो केस पढ़े थे, वहाँ पे दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा था, वहाँ पे डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही थी। उसी तरीके से जब एक ही जगह टच करके जा रहा था अगले दोनों केस, तो उसके अंदर डी की वैल्यू जीरो के बराबर आ रही थी, और उससे अगले दोनों केस, चूंकि लास्ट के दो केस थे वहाँ डी की वैल्यू जीरो से छोटी आई थी, तो वहाँ क्या होगा, एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं करके जा रहा था। तो अब इसके अलावा यहाँ हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा दो ही जगह इंटरसेक्ट करके जा सकता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा दो हो सकती है, कम से कम जीरो हो सकती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, अधिकतम कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। और इसका कंक्लूजन ऐसे बोल सकते हो कि जितने पॉइंट्स पर ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद करता है, उसके उतने ही क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि उन सभी पॉइंट्स पे हमारे को पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि जितने पॉइंट पे कट करके जा रहा होगा उसके नंबर ऑफ जीरो उतने ही होंगे। ये चीज़ भी हमने देख ली। ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि वो ग्राफ बना के दे देगा। अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो बताओ कि इनमें से ए का साइन क्या होगा और डी का साइन क्या होगा, तो हमें देख के बताना पड़ेगा कि अगर ऊपर की तरफ खुल रहा है तो बोल देंगे कि ए का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नीचे की तरफ खुल रहा है तो बोल देंगे कि ए का साइन नेगेटिव होगा। और अगर दो जगह टच करके जा रहा है तो बोल देंगे कि डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। और अगर एक ही जगह टच करके जा रहा है तो बोल देंगे कि डी की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। और अगर एक भी जगह टच करके नहीं जा रहा है तो हम बोल देंगे कि डी की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। तो ये हमने इसको कंक्लूड कर लिया। अब हम आगे ये देखते हैं कि इसके वर्टेक्स क्या होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, वर्टेक्स के फॉर्मूला हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वर्टेक्स, और इसके बाद में दो तीन क्वेश्चन करके फिर हम क्यूबिक पॉलीनोमियल पे पहुंचते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल के वर्टेक्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है। अभी आप लोगों को केवल याद रखना है कि क्या फॉर्मूला होता है, आगे हम क्या करेंगे, 11th क्लास में इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, इसको ड्राइव भी किया जाता है, ड्राइव करके बताया जाएगा कि इसका यही फॉर्मूला क्यों निकल के आएगा। अभी सिर्फ याद रखना है। देखो वर्टेक्स क्या होगा, जैसे कि यहाँ वाला पीक वाला पॉइंट, देखो पी एक्स की वैल्यू नीचे की तरफ क्या है, ये पी एक्स का ग्राफ ही तो है, तो यानी कि वाई या पी एक्स की वैल्यू नीचे की तरफ आओगे धीरे धीरे कम हो रही है, तो यहाँ वो वाला पॉइंट मैक्सिमम वाला पॉइंट है क्या, यानी कि यहाँ पी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, तो जहाँ पे पी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम मिले वो वाला पॉइंट क्या होगा, वर्टेक्स कहलाएगा। उसी तरीके से इस वाले ग्राफ में क्या है, देखो ऊपर की तरफ जाओगे पी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन इस सबसे नीचे वाले पॉइंट पे पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी, तो जहाँ पी एक्स की वैल्यू मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है
उन दोनों पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स यानी कि सीड्स बोलते हैं। अब क्या होते हैं सीड्स, उसको ऐसे समझ सकते हो जहां भी वर्टेक्स होगा ना वहां अगर हम टेंजेंट बनाएं, अब ये टेंजेंट क्या होता है, उस पॉइंट पे छूकर जाने वाली, स्पर्श करके जाने वाली जो लाइन बनाओगे वो लाइन हमेशा क्या होगी, एक्स एक्स के पैरेलल होगी। जैसे यहाँ लाइन बनाऊं तो एक्स एक्स से इसको कट करके जाएगी, लेकिन अगर पीक लास्ट वाले पॉइंट पे वर्टेक्स पे बनाओगे तो वो हमेशा क्या होती है, एक्स एक्स के पैरेलल होती है। यहाँ भी क्या होगी, वो एक्स वाले एक्सेस के पैरेलल होगी। एक ये चीज ध्यान रखनी है, तो दो चीजें क्या ध्यान रखनी है कि वर्टेक्स क्या होते हैं, पी एक्स की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वाले पॉइंट्स होते हैं। दूसरा ये बनाना है कि वर्टेक्स के ऊपर कोई भी टेंजेंट बनाओगे यानी छूकर जाने वाली लाइन बनाओगे, स्पर्श रेखा बनाओगे, वो लाइन हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। और वर्टेक्स कौन कौन से होते हैं, तो वो दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, वो होते हैं माइनस बी अपॉन टू ए, ये ए बी सी वही है ये वाले, और माइनस डी अपॉन फोर ए। अब ये डी क्या है, ये वाला डी जो हम यूज कर चुके हैं डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर, जो कि हमने यूज किया, यहाँ डी वैल्यू ये है। तुम्हें ये सिर्फ याद रखना है कि माइनस बी अपॉन टू ए और माइनस टी अपॉन फोर ए, ये हमारा उस वाले वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हमारे वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा, माइनस बी अपॉन टू ए और माइनस टी अपॉन फोर ए, ये हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है। अब क्वेश्चन कैसे अब आ सकता है, देखो कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो बताओ इसके वर्टेक्स क्या क्या होंगे। तो हमें पहले हमने क्या कर लिया, ए बी सी की वैल्यूज लिख ली, तो ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस टू है, सी की वैल्यू वन है। अब हमने वर्टेक्स के पॉइंट्स निकाले यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो हमें पता है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी अपॉन टू ए होता है। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस बी अपॉन टू ए, तो माइनस तो ये वाला ऐसे कैसे, बी कितना है माइनस का टू, माइनस का टू आ गया, नीचे टू मल्टीप्लाई ए वन, तो ए कितना है वन था और नीचे ये वाला टू है, तो टू ए क्या हो गया, टू मल्टीप्लाई वन, माइनस माइनस प्लस का टू हो गया और नीचे टू हो गया, टू से टू को डिवाइड करेंगे वन टाइम डिवाइड हो गया, मतलब एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गया कितना है, वन है, और माइनस डी अपॉन फोर ए निकालना है, मतलब कि वाई वाला कोऑर्डिनेट निकालना है निर्देशांक वाला। तो क्या होगा, देखो डी क्या होता है, इसको माइनस वाले को बाहर रखा है, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए, से बी कितना है माइनस का टू, तो माइनस का टू स्क्वायर माइनस फोर क्या होता है फोर, ए कितना है वन है, सी कितना है वन है, तो फोर मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन, ये तो फोर हो गया, माइनस का टू का स्क्वायर करोगे ये फोर होगा, फोर माइनस फोर कितना होगा जीरो, जीरो में फोर का डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, तो इसका मतलब जो सीड्स था वो कितना होगा, वन कोमा जीरो होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यहाँ बोर्ड लेवल में तो इतने चांस नहीं है, लेकिन एनटीएससी के हिसाब से देखें तो वहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है। इसको भी नोट कर लीजिए, इसके बाद में इसके ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम क्यूबिक पॉलीनोमियल के ग्राफ, केवल मैं बताऊंगा कि तीन टाइप के ग्राफ बन सकते हैं, आप लोगों को केवल वो ग्राफ खुद बना के देखने में क्वेश्चन बता दूंगा, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए पहले। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पे ग्राफ से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखते हैं। देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये दिया हुआ एक ग्राफ दे रखा है, पी एक्स बराबर पॉलीनोमियल है कोई, उसका एक ग्राफ बना के दे दिया हमारे को, हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। तो सबसे पहले जैसे ही ग्राफ को देखोगे तुम्हारे दिमाग में वो सारी चीज़ें आनी चाहिए जो हमने पढ़ी है। तो हमने क्या पढ़ा है कि ग्राफ ऊपर की तरफ खुल रहा है, हमने क्या पढ़ा है कि ग्राफ जब भी ऊपर की तरफ खुलता है तो ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है। तो यहाँ देखो कौन कौन से में ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है, केवल इन दो में ही है, मतलब ये दोनों तो पहले ही बाद में रिजेक्ट हो गए। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ जीरोज कितने दिख रहे हैं, एक्स बराबर समथिंग कुछ अल्फा होगा, मान लो एक्स बराबर कुछ बीटा है, नंबर ऑफ जीरोज दो है, दो जगह पे कट करके जा रहा है। तो हमने केस वन पढ़ा था, वहाँ डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होती थी, तो कौन सा वाला ऑप्शन है, देखो ए की वैल्यू जीरो से बड़ी और डी की वैल्यू जीरो से बड़ी, तो इसका कौन सा वाला आंसर आ गया हमारा, ये हो गया। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर के अंदर ग्राफ बना के दे देगा। अगर आप लोगों को सारी कंडीशंस याद है तो उसके अंदर पूरा मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो गलत नहीं होगा, हमारा पूरा आंसर सही होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ इन सभी क्वेश्चंस में क्या करना है, ए और डी के साइन पता करने हैं। तो देखो नीचे की तरफ जितने खुल रहे हैं उनका ए का साइन डायरेक्ट पता कर दो, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा, ए का साइन जीरो से बड़ा होगा, ए का साइन जीरो से बड़ा होगा और ए का साइन जीरो से बड़ा होगा, ये हमने पढ़ा है। अब हमने डी का साइन पढ़ा था, तो डी का साइन क्या होगा, दो जगह अगर कट करके जा रहा है तो डी जीरो से बड़ा, तो देखो दो जगह टच करके जा रहा है, डी जीरो से बड़ा है,
डी जीरो से बड़ा है, एक जगह टच करके जाए तो हम बोलेंगे डी जीरो के बराबर है, तो इस वाले केस में डी जीरो के बराबर होगा, इस वाले केस में डी जीरो के बराबर होगा, और एक भी जगह अगर एक्स एक्सिस को टच करके नहीं जाए तो डी जीरो से छोटा होगा। तो देखो ये कंडीशंस अगर याद है तो एक सेकंड में तुम क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन का आंसर देख के लिख सकते हो, तो टाइम भी बचेगा अगर सारे चीज़ें याद है तो। अब ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ क्या है, ए और डी का साइन तो हमें निकालना आता है, बहुत आसान है। अब बी और सी का साइन कैसे निकाला जाए वो निकालना सीखते हैं। देखो तो मैं ए और डी के साइन पहले निकाल देता हूँ, दोनों ऊपर की तरफ खुल रहे हैं तो ए की वैल्यू जीरो से बड़ी, ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, दोनों क्वेश्चन सेम है, और डी दो यहाँ दो जगह टच कर रहा है तो हम बोलेंगे कि डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है, एक भी जगह टच नहीं कर रहा तो डी की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। तो ए और डी का साइन तो हमने पता कर लिया, अब हमें पता करना है बी और सी का साइन। तो बी और सी का मतलब समझो पहले, तो क्या होगा, देखो ये वाला इसका वर्टेक्स कहलाता है, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। देखो वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन टू ए और माइनस डी अपॉन फोर ए होता है। अब ये वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ध्यान से देखो, यहां दोनों प्लस के होते हैं, यहां क्या होता है माइनस और प्लस के होते हैं, यहां दोनों माइनस के होते हैं और यहां प्लस और माइनस के होते हैं। तो यहां अगर बोले तो हम बोल सकते हैं माइनस बी अपॉन टू ए क्या है, जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू है सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पहला चतुर्थांश कहलाता है, ये सेकेंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट यानी फोर्थ चतुर्थांश है। तो फोर्थ के अंदर एक्स और वाई के साइन क्या होते हैं, प्लस और माइनस होते हैं, यानी यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, जीरो से वो है। अब ध्यान से समझना, देखो ए क्या है, पॉजिटिव, मतलब टू ए क्या है, पॉजिटिव, ध्यान से समझना, नीचे वाला पॉजिटिव है और इसके आगे माइनस का साइन लगाया है, ये बोल रहा है पूरा क्या है, पॉजिटिव है। अब ध्यान से समझो, देखो जैसे उसने बोला ये तो पॉजिटिव है तो इसको हम उधर ले जाके मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं, पॉजिटिव से कोई, लेकिन एक चीज़ मैं समझा देता हूँ, ये इसको इन इक्वेलिटी बोलते हैं, एसमी का, ये जो होता है ना ऐसे साइन कभी भी दिखे, या ग्रेटर देन इक्वल हो गए, लेस देन इक्वल, ये सारे साइन ये क्या कहलाते हैं, इन इक्वेलिटीज, मतलब एसमी का जो इक्वलिटी में क्या होता है, इक्वल होता है, और यहाँ इन इक्वेलिटी। इनको देखो करने का तरीका क्या है वो समझ लो, एक थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, यहाँ इतना यूज नहीं है उसका। तो जैसे मान लो कि यहाँ मैंने बोला फाइव दो से बड़ा होता है, लेकिन अगर दोनों तरफ अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, माइनस फाइव माइनस टू। अब बताओ कौन बड़ा है, माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा होगा, तो अब माइनस टू बड़ा हो गया। तो मतलब जब भी कभी दोनों तरफ साइन से माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़े तो उस टाइम पे क्या होगा, इन इक्वेलिटी का साइन बदल जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां भी वही चीज हम देखो करते हैं कि कोशिश करते हैं, ये दो है प्लस का है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं हम, ट्रांसपोज वाले नियम लगाते हैं पक्षांतरण करने वाले, वैसे यहां होंगे, तो ये क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, प्लस होगा तभी होगा, ध्यान रखना ऐसा, माइनस में ऐसे डायरेक्ट इधर नहीं ला सकते, ठीक है। अब हमारे को तो ए बी का साइन चाहिए, तो ओनली बी चाहिए, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ क्या होगा, बी हो गया माइनस माइनस प्लस हो के, यहाँ तो जीरो ही रहेगा, लेकिन इन इक्वेलिटी का साइन क्या हो गया, बदल गया, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो से छोटी होगी। यही चीज इसके लिए करना है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस की होती है, यानी माइनस बी अपॉन टू ए, यहाँ क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, ए जीरो से बड़ा हो रहा है, देखो साफ ही दिख रहा है, और तो बी को क्या है, नेगेटिव ही रहना है, मतलब यहाँ देखो माइनस बी क्या हो रहा है, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा है, सेकंड में हमारे को पता है जीरो से छोटा ही होता है ये। अब बी का साइन चाहिए, तो बी का क्या करो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उधर तो जीरो ही रहेगा, इधर लेकिन इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, इधर माइनस प्लस का हो जाएगा, यानी इस वाले केस में बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी, और इस वाले केस में बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो से छोटी होगी। अगर समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके पूरे को देखना और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान से एक एक चीज को ऑब्जर्व करना, फिर उसको क्या करना, अप्लाई करने की कोशिश करना। अब बचा हमारा सी, अब सी का साइन चेक करके देखते हैं, भाई सी का साइन कैसे पता करें, भाई सी का क्या होगा। तो देखो सी का मतलब क्या है, उसको इस पॉलिनोमियल को हम यहां आते हैं, देखो इसको यहां से समझते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि इसका हमें यहां वो करना है। तो अब हम सी का साइन पता करते हैं, तो ध्यान से समझना, देखो
जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसका नॉर्मल मैं एक ऐसा ही ग्राफ बना लेता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ क्या है ध्यान से समझना, यहाँ पी एक्स की तो कुछ वैल्यू है, लेकिन ये एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे होने की वजह से यहाँ एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी कि नहीं होगी। क्योंकि देखो ये तो पॉलिनोमियल पी एक्स का पॉलिनोमियल है, मतलब हर जगह पे पी एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे एक्स की कुछ वैल्यू है वो कितनी है, जीरो है। यानी इस पॉलिनोमियल में अगर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करें तो क्या आएगा, देखो पी एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, पी जीरो बराबर कितना मिलेगा हमारे को, ए मल्टीप्लाई जीरो स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई जीरो प्लस सी, यानी कि हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल गई, सी के बराबर मिल गई। यानी कि एक्स की वैल्यू जहां जीरो होती है उस जगह पे पॉलिनोमियल की जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू हमारी सी की वैल्यू होगी। तो देखो यहां यही तो है सी इतना, जो कि ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, यानी कि एक्स एक तरीके से समझ लो वाई की वैल्यू हमारे को कितनी मिल गई, पी एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, या वाई बोलो सी मिल गई, तो ऊपर की तरफ है तो हम बोल देंगे कि ये पॉजिटिव होगा। और अगर यही ग्राफ ऐसा होता तो देखो ये वाली वैल्यू ही क्या होती है, सी होती है, क्योंकि यहाँ पी एक्स है, तो ये वाली वैल्यू क्या है, नीचे की तरफ है वाई की तरफ, तो वाई की ये वाली वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अब यहाँ देखो कहाँ इंटरसेप्ट बन रहा है, तो ये है, तो यहाँ वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और यहाँ भी क्या होगा, देखो ये आगे जाके कहीं कट करेगा तो वहाँ भी सी की वैल्यू क्या होगी, भाई देखो ये ग्राफ आगे जाके यहाँ टच करेगा मान लो, तो यहाँ क्या बन रही है इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू पॉजिटिव बन रही। लेकिन अगर यही ग्राफ ऐसा दिया हुआ होता इस टाइप का, तो जहाँ कट करके जा रहा है हमारा ग्राफ वाई एक्सिस को, उस जगह से देखोगे कि कितनी नेगेटिव साइड में कट करके जा रहा है या पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव साइड में है तो सी की वैल्यू प्लस की होगी, अगर नेगेटिव साइड में है तो सी की वैल्यू माइनस की होगी। तो ये भी नोट कर लीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अगर बोर्ड के अंदर टफ पेपर बनता है तो ये भी पूछा जा सकता है। फिर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पे चलते हैं। अब हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हमें पहले क्या क्या पता होता है पहले वो देख लेते हैं। तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री अर्थात इसकी जो घात होती है वो कितनी होती है, तीन होती है, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसी दिखती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे हाईएस्ट पावर तीन दिख रही होगी तो क्यूबिक है, ए जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ए जीरो हो गया तो हाईएस्ट पावर टू रह जाएगी मतलब क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और ए बी सी डी तो रियल होनी चाहिए यानी कि वास्तविक होना चाहिए। एक रियल और इमेजनरी क्या होता है ये मैंने पहले भी बताया है, मैं बता देता हूँ। हमारे को रूट के अंदर कोई भी नंबर आए अगर वो माइनस का आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर तो बोलेंगे वो इमेजनरी है, वरना सारे नंबर क्या है हमारे, रियल है। तो देखो इसके तीन ग्राफ्स मैंने, तीन पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स लिख दिए, उनके ग्राफ बना दिए, तुम्हें सिर्फ ग्राफ को समझना है अब, और इतना ग्राफ बनाने पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ग्राफ बनाने का कोई क्वेश्चन आता नहीं है, वो तो समझने के लिए हमने वो ग्राफ बना के देख लिए। तो देखो एक ग्राफ है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स, इसका जब ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये तीन पॉइंट हमें ऐसे मिल रहे हैं जो कि एक्स एक्सिस से पास हो रहे हैं, तो इन तीनों पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो, जिसको मैंने मोल दिया एक्स बराबर अल्फा, एक्स बराबर बीटा और एक्स बराबर गामा। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, स्पेलिंग की मिस्टेक होगी कुछ। तो देखो गामा, तो एक्स बराबर अल्फा बीटा और गामा, ये तीन वो पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो हम बोल देंगे कि यहाँ नंबर ऑफ जीरो जाता है, शून्य कितने हैं इसके, तीन होंगे। अब ध्यान से देखो इस वाले केस में केवल दो ही जगह टच करके जा रहा है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, तो यहाँ टच करके जा रहा है और यहाँ, यानी x की दो ही वैल्यू जो x बराबर अल्फा या कुछ बीटा, कुछ भी हो सकती है अल्फा बीटा, जैसे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जीरो दिख रही होगी, बीटा की वैल्यू यहाँ जीरो दिख रही होगी, यहाँ कुछ अल्फा की यहाँ बीटा की वैल्यू जीरो है, या अल्फा की वैल्यू कुछ नेगेटिव वैल्यू है, गामा की वैल्यू कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, शून्य दो ही होंगे, क्योंकि दो ही ऐसी वैल्यू है जहाँ पे हमारे को पॉलिनोमियल की वैल्यूज, देखो यहाँ पे क्या मिलेगी, जीरो मिल जाएगी जीरो के बराबर। तो ये वाले दोनों एक्स बराबर अल्फा और बीटा क्या होंगे, इसके शून्य होंगे। उसी तरीके से देखो एक्स बराबर पी एक्स बराबर एक्स क्यूब दिया हुआ है, इसका जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ क्या होता है, इस तरीके का बनता है, तो इसमें से केवल क्या होगा, एक ही जगह पे टच करके जा रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, वन ही होंगे, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज यहाँ क्या हो सकते हैं, तीन। अब देखो इसकी डिग्री कितनी थी, तीन, तो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, तीन होंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, देखो यहाँ जो पावर है वो क्या है, ओड है, तो जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे ना वो एक होंगे, क्योंकि देखा होगा हमने जब क्वाड्रेटिक पढ़ा था तो उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज दो भी हो सकते थे,
मतलब मिनिमम मैक्सिमम दो होते थे, फिर वन हो सकता था, जीरो भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पावर ओड अर्थात विषम होने की वजह से यहाँ क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, वन होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक नोट लिखते हैं और एक दो क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चन देखते हैं, वरना 2.1 एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। तो एक नोट है वो भी देख लेते हैं, ये भी एक नंबर में पूछा जा सकता है। देखो कि एक पी एक्स एक पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद दिया हुआ है जिसकी डिग्री यानी जो घात है वो कितनी दी हुई है, n। अब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, होल नंबर, ये हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बनाई थी उस टाइम पे लिखा था। तो ये क्या बताता है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो इसके एटमोस्ट जीरो यानी अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, उसकी डिग्री के बराबर ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर पूछ ले कोई कि बताओ 7 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये है, और इसके बाद में मैंने जो ये पहले भी लिखवाया था नोट, इसको वापस लिख दिया है क्योंकि हमें 2.1 एक्सरसाइज में इसको यूज करना है। देखो y बराबर px का ग्राफ x एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करता है उन सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, px बराबर 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y हमेशा क्या होता है, 0 होता है, और वे सभी पॉइंट क्या होंगे, जीरोज कहलाएंगे, क्योंकि उन सभी पॉइंट्स पे हमारे को पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई। और जहां x एक्सिस के जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए यानी कि बहुपद का मान 0 मिल जाए तो वो सभी क्या कहलाते हैं, शून्य अर्थात जीरोज कहलाते हैं। तो इसी चीज़ को यूज करके हम क्या करने वाले हैं, 2.1 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। इसको भी नोट कर लीजिए, फिर 2.1 एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। तो अब हम देखते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1। इसके अंदर हम ये क्या कर दिया हुआ है, y बराबर पी एक्स के ग्राफ दिए हुए हैं और इन ग्राफ से हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो हम क्या पढ़ चुके हैं पहले कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस जगह पे कट करेगा वहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, और एक्स एक्सिस पे जिस जगह कट करेगा वहां एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, शून्य कहलाएगी। क्यों, क्योंकि वहां से हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर मिल रही है यानी कि वो जीरोज कहलाएंगे। तो देखो यहां कभी भी कट नहीं करेगा क्योंकि एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो यहां नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, कोई भी जीरो नहीं होगा, तो यहां जीरो जीरो होंगे यानी जीरो शून्य होंगे। यहां देखो ये एक जगह पे यानी कि इस वाली वैल्यू पे हमारे को px की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। केवल एक ही ऐसी वैल्यू है जहां हमारे को बहुपद का मान कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ये वाला वैल्यू भी क्या होगी, शून्य होगी। तो यहां एक जीरो दिख रहा होगा। यहां देखो तीन वैल्यू ऐसी है, ये वाली और ये वाली, जहां हमारे को px की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। तो x के तीन मान ऐसे हैं जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहां देखो दो वैल्यू जैसी है जहां पे px की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। तो यहां पे क्या होगा, दो जीरोज हो जाएंगे, यहां 1, 2, 3, 4 यानी ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे x की कुछ वैल्यूज है और px की वैल्यू कितनी है, यहां 0 है। तो इसके कितने जीरोज है, 4 जीरोज है। और यहां देखो यहां तो इंटरसेक्ट करके जा रहा है, यहां टच करके जा रहा है, तो इसमें तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 0। तो x की तीन वैल्यूज हैं जहां पे पॉलिनोमियल 0 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये हमारी 2.1 एक्सरसाइज होगी, एग्जांपल 1 भी कुछ ऐसा ही है, तो आप खुद ट्राई कीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके अंदर ये क्या है कि कंसेप्चुअल टॉपिक था, स्कूल्स में तो क्या किया जाता है कि डायरेक्ट 2.1 स्टार्ट की जाती है, और कि जो अभी मैंने मतलब बताया इसका कि जहां कट जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, वही देख के हम क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारे को तो 2.1 एक्सरसाइज आ गई है। लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है वो आज हमने इस वीडियो में देखा है। सभी ग्राफ्स को, वीडियो थोड़ा लेंदी है, लंबा है, तो सभी ग्राफ्स को एक काम करना, आप लोग ग्राफ पेपर लेके बैठना, स्पेयर मतलब कि खाली टाइम में लेके बैठना, 2-3 घंटे का टाइम देना इस वाले वीडियो को अच्छे से समझना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो वीडियो में कमेंट करके बताना, मैं किसी अगले लेक्चर के अंदर कोशिश करूँगा कि आपके सभी डाउट्स को सोल्व कर पाऊँ। और इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।